पांडा जी की भविष्यवाणी कोरोना महामारी मार्च 2021 तक रहेगी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इससे निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत में इस बीमारी ने अपने पैर ज़्यादा नहीं पसारे हैं। कोरोना नामक यह बीमारी अगले मार्च 2021 तक रहेगी। जनवरी से मार्च तक इस बीमारी का प्रकोप अधिक रहेगा, उसके बाद अप्रैल से यह बीमारी समाप्त होने लगेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी का भरोसा नहीं करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टरी इलाज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह भविष्यवाणी नागदा तहसील के ग्राम बेरसा स्थित नाग देवता स्थान पर तेजाजी दशमी के अवसर पर पांडा जी मांगीलाल शर्मा ने की। पांडा जी ने भविष्यवाणी में बताया कि इस वर्ष भादवा सुधी 30 अगस्त 2020 से लेकर कुवार बुद्धि एकम 8 सितंबर 2020 तक भरपूर वर्षा होगी। लगातार 12 दिन तक पानी गिरेगा, जिसमें फसलों के खराब होने के आसार हैं, फसलों में बीमारी लगेगी, देश के सभी बड़ा नेता और प्रभावशाली व्यक्ति की मौत होगी, युद्ध की संभावना, अतिवृष्टि के असर भी दिखाई देंगे, चोरी डकैती बढ़ेगी, नवरात्रि से लेकर 3 माह तक भी वर्षा होगी, दीपावली के आसपास देश में युद्ध की संभावना है, इसके आज भारत तब भी पहुंचेगी, भारत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, पौष माह में खड़ी फसल में हानि होगी, दुर्घटनाएं बढ़ेगी, दहा पड़ेगा, पानी भी गिलेगा, ओलावृष्टि भी होगी, माघ में पानी के साथ संग्रहण भी बढ़ेगा। इस साल लहसुन के भाव अच्छे रहेंगे, सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव होता रहेगा। उत्तरी आरती चढ़ाई निशान। भविष्यवाणी से पहले नाग देवता और तेजा बावनी के स्थान पर आरती उतारी गई। आरती के बाद संदर्लो द्वारा लाए गए निशान चढ़ाए गए। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार लोगों को मंदिर में प्रांगण में एकत्रित नहीं किया गया था। मंदिर के पुजारी और पांडा जी राधेश्याम शर्मा ने आरती उतारी। पंडित जगदीश शर्मा ने निशानों का पूजन किया और चढ़ाए। प्रतिवर्ष तेजा दशमी के दिन बड़ी संख्या में इस स्थान पर लोग पहुँचते हैं। आख्या ने भी इस बार नहीं लगेगा मेला। तेजा दशमी पर आख्या में इस बार मेला नहीं लगेगा, निशान भी नहीं आए। प्रशासन के नियमानुसार पंडित जेडी पटन ने संध्या के समय 4 लोगों ने आरती की। कुलदीप भट्ट ने बताया कि 200 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि यह तेजा दशमी पर मेला नहीं लगा, यह निशान आए। इधर गांव भूतेड़ा में स्थित नाग देवता मंदिर पर सुबह से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिर में पुजारी एवं कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के निर्देशानुसार पालन करते हुए डिस्टेंसिंग बनाई रखी। तो दोस्तों, यह थी पांडा जी की भविष्यवाणी। तो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।